चलिए चलिए, तो बैग है ना तुम्हारे पास, ठीक है ना? चलो चलो चलिए चलिए चलिए। अब हर्षद माता मंदिर चल लेते हैं। गार्डन गार्डन बहुत सुंदर। तो समर, ये सामने वाला यही है मंदिर, तो इसी मंदिर पे जाना है हमको। क्या नाम है इस मंदिर का? हर्षद माता मंदिर। हर्षद माता मंदिर, तो ये भी सिमिलर टाइम पे बनाया था। तो इसकी खासियत ये बताते हैं कि इसको चूने से नहीं बनाया है, तो फिर किसे बनाया? एक भी ज्वाइंट नहीं है, चूने का बिल्कुल काम नहीं है, और चूने का काम नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। तो ये कैसे टिके हुए हैं? इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे का राज माता जी की। तो क्या कांच? अच्छा, माता जी के ऊपर बताया जाता है, या कांच को पिघला के बनाया गया है? नहीं, ऐसा भी कुछ सुनने में नहीं आया। कांच को पिघला के बनाने की पद्धति होती थी, तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। तो अपन मंदिर पे जब चलेंगे स्टेप बाय स्टेप अपन देख लेंगे इसमें। बताइए, जॉइंट नहीं है क्योंकि नीलकंठ मंदिर में भी जॉइंट नहीं थे, देखे हमने, नीलकंठ मंदिर में भी जॉइंट नहीं थे। बिट्टू बैग का भी ध्यान रखना। ये देखिए दोस्तों, सन सामने है तो थोड़ा ऐसे ही दिखेगा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाइए, चलो चलो आ जाओ आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सूरज सामने आ जाइए, चलो 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 चलो। और ये बरगद का पेड़ देखो दोस्तों कितना बड़ा है, बरगद का पेड़। चलो 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 चलो, तुम यहाँ से तो निकलो, हम आ जाऊंगा हम आ जाऊंगा, हम तुमको पहला भेज देंगे, आ जाओ आराम से आ जाओ। चलिए चलिए, हाँ बोर्ड पे, हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। दोस्तों अब हमने एंट्री कर ली है हर्षद माता मंदिर, वही तो, हाँ हर्षद माता मंदिर देखिए, हाँ जी ये देखिए दोस्तों, ये पॉज कर लेते हैं, पढ़िएगा सब कुछ इसमें है, टेंशन पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये भी संरक्षित स्मारक, ये भी ठीक है। चलिए चलिए आओ समझ आ जाओ, देखो सनसेट बढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 5 मिनट काम, आ जाओ आ जाओ, चलो आइए देखिए, देखो देखो कितनी सुंदर डिजाइन है ना। ये यशराज आते हुए, हाँ जी यशराज, देखा मंदिर कितना सुंदर है, आइए। मैं पहले भी इधर आ चुका हूँ। हाँ जी बचपन में आए थे आप, फिर आप थोड़े से थोड़ा सा उड़ा हो जाएगा, फिर दोबारा बचपन में आए थे। हाँ जी, एक राउंड लेना, फिर अंदर चलते हैं। देखिए दोस्तों, फार्मिंग भी है, किसान भी है, लोकल विलेज लोकल घर। ये देखिए ये देखिए कारीगरी, देखिए ये महीन वर्क में दिखा देता हूँ, ये देखिए एक एक करके दिखाते हैं, देखिए देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये वाला देखिए, हाँ जी। हाँ जी उसी तरह लग रहा है मुझे ना, हाँ हाँ जी
देखो पीछे कितना सारा तोड़ दिया गया ना, देखो कितना बड़ा फूल होगा ये, देखो ये कितना बड़ा फूल होगा ये ना, ये कितना बड़ा फूल होगा, कभी ये पूरा बड़ा फूल था ये, बीच का गोला यहाँ है, हाँ बीच का गोला यहाँ पे, कितना बड़ा फूल होगा देखो कभी, है ना बहुत बड़ा फूल होगा ये कभी, देखो बड़े बड़े गोले, देखो बड़े बड़े गोले फेंके हुए ऐसे ही, ये डिजाइन है थी पहले बड़ा बड़ा गोला, देखो कितना बड़ा बड़ा गोला है ना तोड़ दिया, बहुत सुंदर ना, पहले कितना सुंदर होगा बताओ, बड़े बड़े गोले, हाँ उन्होंने बताया ना वो तोड़ दिया उन्होंने, कितने बड़े बड़े गोले, कितने बड़े सुंदर सुंदर, दोस्तों देखिए पत्थर पे पत्थर रख करके बना है, कोई चूना ही नहीं है इसमें, पत्थर पे रख करके पत्थर बना, कांच पिघला के शायद बना है ऐसा, कोई चूने का काम नहीं है इसमें, ये देखो ट्रायंगुलर पिक्चर, ट्रायंगुलर पिक्चर, अंदर चलो जाया हैप्पी, समर समर आ जाओ, समर आ जाओ, देखो ये तो पुराने देखिए गुम्बद, ये नया बना पर चूने से काम किया है फिर, लेकिन हाँ चूना ही जोड़ा इसमें, चूने से चूना ही जोड़ा, चूना ही जोड़ा, ये तो पुराना ही चूना ही जोड़ा है, लेकिन इस बाद में भी समय कुछ बताना चाहोगे मंदिर के बारे में, बताइए बताइए, बावड़ी के साथ ही बना हुआ शिव माता टेम्पल के नाम से जाना जाता है, पहले बताया जाता है कि ये जो मूर्ति है माता जी की नीलम की, अच्छा इसको चोरों द्वारा चुरा लिया गया, उसके बाद में इसको मसाले से तैयार किया, पहले नीलम की मूर्ति है, यहाँ पे इस मंदिर के अंदर किसी भी तरीके का चूने का उपयोग नहीं किया गया बनाने में, ये बाद में घूमत लगा दिया तुलसी के बाद, इन पत्थरों को रखने में कहीं भी जैसे इन जो पिलर्स हैं इनमें कहीं भी कोई मसाला मसाला नहीं है, हाँ जी करेक्ट, और
ये चीज़ होगी। और जो पीछे इतने सारे पत्थर तोड़े पड़े हैं, गुंबद गोल गोल कितने सुंदर है, वो तोड़ दिए गए हैं। कब कब तोड़े गए? ये उसी आक्रमण में तोड़े गए। किसने आपने बताया था नाम? मोहम्मद गोरी द्वारा आक्रमण किया था। ये कौन सी ईयर में होगा? ये 1900 से पहले वर्षा था। वो तो गूगल हिस्ट्री कर लेंगे। और गजनवी का ही था, औरंगजेब वगैरह ने भी किया। ये काफ़ी मंदिर तोड़े गए ना इधर राजस्थान में वगैरह का, यहाँ पे नहीं था बल्कि कई जगह। देखिए ये मुझे दिखा है तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, ऊपर कितनी सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, कितनी सारी मूर्तियाँ हैं। हर जगह मूर्तियाँ चारों तरफ हैं मंदिर में। ये देखिए चारों तरफ बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, चारों तरफ से लगी हुई। ये देखिए इनके पिलर्स के बीच में कहीं भी कोई ज्वाइंट ही नहीं है। देखिए कहीं भी ज्वाइंट नहीं है। चलिए जी प्रसाद ले लेते हैं पंडित जी से। ये ले लेते हैं। चलिए